हेलो दोस्तों, आज हम मती चार बाप उसकी चार आयत को मिलकर सीखेंगे। तो पहले मैं आपको पूरी आयत सुनाऊंगा और आप ध्यान से सुनेंगे, फिर एक लाइन मैं बोलूंगा और आप उसको दोहराएंगे, आखिर में हम मिलकर पूरी आयत को बोलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अब मैं आपको पूरी आयत सुनाऊंगा और आप ध्यान से सुनेंगे। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मत्ती चार बाब चार आयत। अब एक लाइन मैं बोलूंगा और आप उसको दोहराएंगे। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मत्ती चार बाब चार आयत। वाह, बहुत अच्छे, आप सबने तो इस आयत को बहुत जल्दी सीख लिया, तो क्यों ना हम इस आयत को मिलकर बोलें। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मत्ती चार बाब चार आयत। जबरदस्त, आज आपने मेरे साथ मिलकर बाइबल की एक नई आयत को सीखा। इस आयत को हमेशा याद रखें और दोस्तों को भी सिखाएं। अगली दफा मिलेंगे और साथ सीखेंगे बाइबल की नई आयत। तब तक के लिए बाय बाय।